मास्टर्स बैडमिंटन गेट टुगेदर प्रतियोगिता का आयोजन मुरादाबाद शहर में पहली बार किया गया। मास्टर्स बैडमिंटन गेट टुगेदर 2022 का आयोजन शहर के रेलवे कॉलोनी स्थित रेलवे स्टेडियम में किया गया। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए प्रतिभागी नितिन राज ने बताया कि मुरादाबाद शहर में पहली बार मास्टर्स बैडमिंटन गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। यह खेल काफी शानदार रहा, इसमें कई टीमों ने भाग लिया। इस खेल में मुरादाबाद में पहली बार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्टर्स बैडमिंटन गेट टुगेदर का आयोजन मुरादाबाद शहर में पहली बार किया गया है। इसमें चार टीमें उन लोगों ने तैयार की। चारों टीमों को 10-10 प्लेयर दिए गए और उनके बीच में डबल मैच कराए गए और इसमें कूल डूड्स टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही प्रतियोगिता का उद्घाटन उप जिला अधिकारी सदर प्रताप तिवारी ने किया। इसमें मुरादाबाद बरेली और बदायूं के 40 से 70 वर्ष की आयु के 40 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। साथ ही खिलाड़ियों के चार ग्रुप बनाए गए, जिसमें कूल डूड्स ने पहला, बैट्स फिक्स ने दूसरा, प्राइम प्लेयर्स ने तीसरा और पावर स्पेशल ने चौथा स्थान प्राप्त किया। खेल के दौरान नितिन राज, बिपिन जेटली, डॉक्टर जीएस मटेला, हिमांशु यादव, अनुराग छावड़ा, मोहित नावेद, सौरभ, विनय गुप्ता, देशकांत त्यागी, दीपक भारद्वाज आदि खिलाड़ी मौजूद रहे। सर आपका नाम जानना चाहिए। मैं नितिन राज। सर आज क्या कार्यक्रम? आज बड़ा अच्छा यहाँ पे खेल का आयोजन किया गया, महोत्सव हुआ बैडमिंटन का मुरादाबाद में। ये पहली बार हुआ है और इसमें हमारे कई लोगों ने सपोर्ट किया है। इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है, राज कनेक्शन है और भी कई लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है। माना जाए पहली बार मुरादाबाद में ये मैच हुआ है। पहली बार हुआ, प्लेटफॉर्म मिला, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। और अप्रिशिएट किया लोगों ने।